लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर। हमारे स्नेह और प्रेम बड़ा आदमी को सम्मान करते हैं, बच्चों का आशीर्वाद देते हैं, इसको आप लोग देखिए। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं हम आपका नए ब्लॉग में। इस नए ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, ये रही हमारे इंस्टाग्राम की आईडी, आप यहाँ पर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर हम डेली लाइव आते हैं और आप सबसे ढेरों बात करते हैं। तो जी शुरुआत करते हैं इस नए ब्लॉग की। यहाँ पर ये भाई साहब आए हुए हैं कंपनी की तरफ से हमारे गीजर को लगाने के लिए। जी गीजर तो ये लगा रहे थे, लेकिन हमारी तरफ से ही कुछ इशू था जो पानी का प्रेशर अच्छे से नहीं बन पाया और गीजर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस अभी तक जारी है पिछले दो दिनों से। और जी यहाँ पे दीदी सारे रंगोली के कलर को निकाल के प्लेट में रख रही है, हमें तो आता नहीं रंगोली बनाने, तो दीदी को बोले आप बना दीजिएगा, तो फिर दीदी बोले हाँ बना देंगे, तो हम सारा कलर लेते आए जितना भी हो सका, तो सारा दीदी प्लेट में निकाल निकाल के रख रही है। फिर जी हम आपको मंदिर लेकर के आ गए। जी हमारे यहाँ असल में कल्चर यह है कि जब भी आपको घर में दिया जलाना है तो उससे पहले आपको मंदिर में दिया जलाना होता है, तो उसी के लिए माँ को हम मंदिर लेकर के आ गए और माँ यहाँ पर दिया जला रही हैं और साथ साथ जो शिव की एक पूजा करती हैं, साथ में शिव की पूजा भी कर रही है माँ। और जी यहाँ पे हम दिए में तेल और बाती कर रहे हैं। इससे पहले हम दिए को अच्छे से धो लिए थे। धोने से ये होता है कि आप मिट्टी का दिया रहता है ना, तो इसमें ज़्यादा तेल सोख लेगा। यदि आप पहले धो दोगे मिट्टी के दिए को तो उसमें कम तेल सोखेगा। तो और इधर दीदी रेडी की बातें चल रही थी, तो हमें हंसी भी आ रहा था, नोक झोंक दोनों का चल रहा था, तो हम दोनों हंस भी रहे थे और अपना काम भी कर रहे थे। जी इन सभी दिए को जो है गेट के चौखट पर लगाया जाता है और हमारे यहाँ जो है हुक्का पाती का खेल होता है, शायद हो सकता है आपके यहाँ भी होता हो, तो जिसका पार्ट जो है आपको आगे दिखेगा वीडियो में जाकर। तो इस समय क्या किया जाता है कि हुक्का पाती के समय जितना भी हुक्का रहता है सभी को दिए के लपट से लगाया जाता है। चौखट पर जितने भी दिए मौजूद हैं उन सभी में थोड़ा लपट लगाया जाता है आग का और फिर हुक्का पाती का खेल होता है जो आप आगे देखेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। जी यहाँ पर पापा जो है लाइट की लड़ी लगा रहे हैं जो हम जो है भूल गए थे लगाना। हुआ ये कि घर में जितनी भी लड़ी थी और जो बाहर से लड़ी लाए थे सब कुछ लगा दिया था, बस एक ये रह गया था। तो पापा बोले इसको भी लगा दो, तो हम कह दिए कि ठीक है लगा देंगे, लेकिन हम लोग किसी और काम में व्यस्त हो गए थे, तब पापा खुद ही लगाने लग गए लड़ी और माँ यहाँ पर गपशप मार रही है। और जी यहाँ पे इतने सारे दिए थे, अकेले कर करके हम बहुत सारा थक गए थे और बहुत टाइम लग जाता सर अकेले करने में, तो पतिदेव को देखा नहीं गया, तो फिर आ गए हेल्प करने के लिए। और माँ दिन भर फास्ट की थी तो उनको खाना भी बनाना था, बोली तुम इधर का काम कर लो फिर हम खाना बना देंगे, तो माँ किचन का काम कर रही थी और हम इधर पूजा का काम कर रहे थे, तो पतिदेव को देखा नहीं गया, आ गए हेल्प करने। हाँ जी आ गए, सोचे बेचारी कितना करे अकेले, और दिया भी अच्छा खासा अमाउंट में जिया ने खरीद लिया था। और जी हमने तो दिया एक तरह से कहिए जानबूझकर खरीदा कि यही टाइम होता है जब हमारे कुम्हार भाई थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, तो जितनी लाइटें हमने खरीदी थी लगभग उतना हमने दिया भी खरीद लिया था इस दिवाली। और जी इधर तैयारी चल रही है कड़ी बड़ी बनने की। हम लोग यहाँ दीपावली में कड़ी बड़ी का है, पूरी पकवान पुआ मिठाई सबका कोई महत्व नहीं है, प्रसाद के रूप में दिया जाता है, लेकिन खाने के लिए कड़ी बड़ी हम लोग यहाँ बनता है, बचका चक्का पापड़ तिलौड़ी कचरी। और ये जो है मेरी नानी बहुत अच्छा बनाती थी, माए से सीखे हैं, इसका नाम हम नानी वाला बड़ी रखे हुए थे बचपन में। अच्छा इस कढ़ाई के बारे में बहुत कोई कहते हैं कि बहुत गंदा कढ़ाई है, ये मेरा बेटा के जन्मदिन पर लोग पैसा दिया था ना। उसी से कढ़ाई हम 88 रुपया में खरीदे थे, निशान इसलिए हम उसको नहीं हटाते, गंदा है साफ है। हमारे स्नेह और प्रेम बड़ा आदमी को सम्मान करते हैं, बच्चों का आशीर्वाद देते, इसको आप लोग देखिए, जब तक जिंदा रहेंगे भगवान से दुआ करते रहेंगे, सब लोग खुश रहेंगे, उसके पीछे हमारे बच्चे भी रहेंगे। तो चल रहा है चलो एक थाली आपको लेते हैं चलो। तो कैसा लग रहा है ससुराल में तुम्हारी पहली दिवाली? बहुत अच्छा, अभी तो काम शायद पहले तैयार हो जाएंगे तब। अच्छा चंदन दी तब दे। मेरी माँ ने एक किस्सा सुनाया था, एक लड़का था वह तुतलाता था,
तो उसका जो है शादी ठीक कर दिया गया। जिस दिन शादी का दिन था उसका, तो सभी ने उसको सिखाया कि तुम जो है मुंह मत खोलना, चुपचाप बैठे रहना वहाँ पर। तो वहाँ पर जब मंडप पर गया वो लड़का, तो सभी कहने लगे उसे कि लड़का तो बहुत अच्छा है दिखने में, बहुत स्मार्ट लग रहा है। ये अपनी भाषा में बोला गया था, हम आपको हिंदी में बोल करके बता रहे हैं। तो वहाँ जो लड़का है उसको तारीफ सुनकर रहा नहीं गया, फिर बोलता है अठैंटी टचली चंदन टीटा है टेटम ने टचली। तो मतलब ये अभी क्या देखे हो, जब चंदन टीका होगा तब ने देखोगे, वही हो गया है ये। तो जिया भी कह रही है अभी क्या देखे हो जब हम। लेकिन जी इतना काम था घर में कि हम में से कोई भी तैयार नहीं हो पाया और बेचारी जिया का चंदन टीका हम देख नहीं पाए। हाँ कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर देखना। और हमारे घर में ना पूजा एकदम टाइम पे होता है, इस वजह से भी थोड़ा सा हो गया। बिल्कुल जी। और यहाँ पे हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं, डैडी बता रहे हैं हमें कि ये सब कर दो, तो फिर हम कर रहे हैं। और हमारे घर में जब भी पूजा होता है ना तो ये येलो धोती में होता है, तो डैडी आज येलो धोती ही पहने हैं। और उस बीच में माँ भी आ गई, तो माँ भी बता रही है, बोली अब तुम जाओ, अब रेडी हो जाओ, लेकिन बहुत लेट हो चुका था तो हम नहीं रेडी हो पाए। और जी जब हम धनतेरस वाला वीडियो डाले थे ना यूट्यूब पे, तो आप में से किसी का कमेंट था कि आप गीजर क्यों ले लिए, आप चांदी का सिक्का लेते या फिर गोल्ड का कुछ लेते। तो हम चांदी का सिक्का भी एक लिए थे जो कि हम दिखाना भूल गए थे, क्योंकि हम नहीं लिए थे, माँ गई थी लेने के लिए, तो इस वजह से हम नहीं दिखा पाए थे आपको। फिर जी बारी आई हुक्का पाती खेलने की, और यह हुक्का पाती खेलने के पीछे की क्या कहानी है यह तो हमें नहीं मालूम। यह हमने अपने खानदान को, अपना जो परंपरा है वह हम देखते आए हैं, उसी का अनुसरण हम कर रहे हैं। और इसके पीछे की क्या कहानी है कभी मम्मी से पूछकर आपको बता देंगे। सटाना है बिरान। लक्ष्मी घर दरिद्र बहार, लक्ष्मी घर दरिद्र बहार, लक्ष्मी घर। मेरे यहाँ तो इतना बड़ा राग होता है इसका, बच्चे सब करता है, खूब जोर जोर छलांग लगाते हैं। जिधर हमारे पड़ोसी भी हुक्का पाती खेल रहे थे, यहाँ श्रीकांत अंकल है और उनका बेटा मयंक है, तो ये लोग भी हुक्का पाती खेल रहे हैं, तो जिया ने उनका भी रिकॉर्ड कर लिया। हुक्का पाती खेलने के बाद जो संठी का टुकड़ा बचता है उसको हम लोग अपने भगवान के आगे रख देते हैं। नवान पर्व होता है जिसमें नया चूड़ा चढ़ता है अगहन महीना, और उसी संठी से उस गोठा के आग में सुलगा करके और अग्नि में दही चूड़ा को समर्पित किया जाता है। नल लक्ष्मी अल हाँ। दरिद पड़े ल हाँ। भगवान को प्रणाम कीजिए, जितने पूर्वज हैं सबको प्रणाम कीजिए, पहले भगवान को, पूर्वज को। जी हो गया हमारा हुक्का पाती, और अब उसके बाद जो है क्या करना है, ऊपर और बच्चा हुआ है, उसके बाद प्रसाद खाना है, प्रसाद बाद कढ़ी बड़ी कचरी खाना है, तरुआ पापड़। हाँ जी। फेस्टिवल का सबसे अच्छा बात जानते क्या होता है, ये जो प्रसाद मिलता है ना, ये सबसे मजेदार चीज होता है फेस्टिवल। ओहो दो दो लड्डू मिल गए, गणेश जी की कृपा है। थैंक यू वेरी मच। जी पतिदेव ने तो सब कुछ दिखा दिया आपको, बस घर की सजावट नहीं दिखाई। यहाँ पे रंगोली बन रहा है और थोड़ा लेट भी बना था, इस वजह से हम आपको नहीं दिखा पाए थे। दीदी थोड़ा लेट आई, हमें आता नहीं, तो इस वजह से हम दीदी का इंतज़ार कर रहे थे, दीदी आएगी तो फिर साथ में मिलकर बनाएंगे। और इसका ये फाइनल लुक है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको हमारा रंगोली। उम्मीद करते हैं कि जिया इस बार रंगोली बनाना सीख गई होगी और अगली दिवाली में खुद से रंगोली बनाएगी। अब आपको अपने घर का लुक दिखा देते हैं बाहर से, तो ये देखिए जी ये हमारा घर, दिवाली के दिन यही सजाया था हमने। पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि पतिदेव दिन भर छत पर लगकर सजावट करने की तैयारी कर रहे थे, तो
मेहनत का फल तो मीठा होना चाहिए ना, तो आप जी मेहनत का फल कैसा है और यह कैसा लग रहा है तो आप लोग बता दीजिए कमेंट करके। तो यही है जी, यही है हमारी थोड़ी सी सजावट एक छोटे से घर की। और अभी इस ब्लॉग को हम लोग जो है यहीं पर खत्म करना चाहेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले ताकि कोई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। और भूल गए, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। उम्मीद करते हैं आप सभी का दिवाली मस्त होगा, जबरदस्त रहा होगा जी। जब तक यह वीडियो एडिट होगा, जब तक यूट्यूब पर आएगा, तब तक तो दिवाली बीत चुकी होगी। और उम्मीद करते हैं आप सबका अच्छा दीपावली रहा हो। तो फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली।